हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ अपने डानपुरी शहर में। एक नया कैफे ओपन हुआ है जिसका नाम है रिवे कैफे। तो वहाँ पे भैया ने हम लोगों को बुलाया है, तो चलिए अंदर जाते हैं और सारा कुछ देखते हैं। यहाँ का क्या खाना स्पेशलिस्ट है, कब से खुला है, सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे। इसका डिटेल्स और एड्रेस भी देंगे, वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं और अभी एंटर हो रहे हैं यहाँ पे। हेलो भैया, कैसे हो? अच्छा है। और भैया, ये कब से खुला है आपका रेस्टोरेंट? एक साल हो गया। एक साल हो गया? हम सुने हाल फिल में ही खुला है। नहीं, एक साल हो गया। एक साल हो गया। पहले का पूजा जो था उससे ओपनिंग किया अभी तो। अच्छा, आपने नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम है। अच्छा, आप यहीं के ओनर आप ही हैं क्या? ओनर नहीं है। अच्छा, किचन का कुक है। कुक है, चलिए सही है। तो आपके यहाँ खाने में क्या स्पेशलिस्ट है? स्पेशलिस्ट चाइनीज इंडियन सब कुछ है। चाइनीज इंडियन, चाइनीज में क्या है स्पेशलिस्ट? कुछ आइटम्स के नाम बताइए। चाइनीज में बहुत कुछ है। तो अच्छा, चलिए मेनू कार्ड देख लेते हैं। हाँ, और कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, और खाने के बाद जो है आप लोगों को सारा रिव्यू देते हैं, यहाँ का टेस्ट कैसा है सारा कुछ। एंटर होते ही हम लोगों को दिख जाता है कि बंदर, ये कहाँ से आया भैया? बंदर कहाँ से आया है? साउथ अफ्रीका से लाया क्या आप? हाँ, वही होगा, मुझे पता नहीं। पता नहीं है आप यहाँ से कितने दिन से काम करते हैं? मैं यहाँ एक मंथ। अच्छा, वन मंथ हो गया आपको यहाँ काम करते हुए। आप क्या कुक हैं, बनाते खाना वगैरह? हम कुक का हेल्पर हैं। अच्छा, हेल्पर, चलिए सही है। जो टेबल्स देख रहे हैं खास करके जो कपल्स के लिए बनाया गया है, ये कपल्स टेबल है। और यहाँ पे आप फैमिली वगैरह लेके आ सकते हैं, अपने दोस्त वगैरह के साथ भी आ सकते हैं। वैसे यहाँ का डेकोरेशन जो है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, पर्सनली बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगा। बिकॉज ये जो टेबल है इसके अंदर एक्वेरियम में जैसे रहता है वैसा ही कुछ डिज़ाइंस वगैरह है अंदर। और ये जो वॉल है उस पर भी जो है LED लाइट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। ये पेंटिंग वगैरह कुछ बना हुआ है। समीम भाई, आपको कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। यहाँ पे आईना भी लगा हुआ है, खाने के बाद या खाने से पहले अपना चेहरा भी देख सकते हो। और एक कन्फ्यूज़न आप लोगों का आज मैं दूर कर देता हूँ। जो लोग सोचते हो कि मैं कैमरा या DSLR या GoPro वगैरह से वीडियो बनाता हूँ, तो वो बिल्कुल ही गलत है। मैं नॉर्मली एक सैमसंग फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग भी नए ब्लॉगर हैं, नए क्रिएटर हैं, तो आप लोग भी ये मत सोचिए कि माइक चाहिए वगैरह वगैरह। हम माइक का भी यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है आप लोगों को बंदर भी दिख जाएगा, एक्वेरियम जैसा भी कुछ दिख जाएगा, और ये सब जो है वॉल पे घास, मतलब वो जो काई बैठता है वैसा भी कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एकदम नेचुरल फील आएगा, जैसे लगेगा आप लोग जंगल में आए हुए हैं। खैर, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। फाइनली गाइज, हमारा ऑर्डर जो है आ चुका है। हम लोगों ने चिकन मंचूरियन ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे आ चुका है। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खाने में पता नहीं कैसा होगा। तो सबसे पहले हर बार की तरह हमारे समीम भाई थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, और उसके बाद टेस्ट करके बताएंगे। तो चलिए टेस्ट कीजिए। ऑफकोर्स तो चलिए समीम भाई टेस्ट कीजिए और बताइए कि यहाँ का कैसा है चिकन मंचूरियन। टेस्टी, नाम के हिसाब से, कैफे के हिसाब से एकदम बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस दुर्गा पूजा में एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, इस दुर्गा पूजा में जो जो गर्लफ्रेंड को लेकर घूमने जाइएगा, खाने का मन करेगा इधर आइए, जरूर आइए। खैर, आपकी तो शादी हो गई है, आप किसको लेकर आएंगे? थोड़ी लेकर आऊंगा, मैं मेरे बीवी को लेकर आऊंगा। अरे वाह, मेरे वाइफ का ही लेकर आऊंगा। तो आप लोग गर्लफ्रेंड के साथ जब निकलिएगा, खाने का मन करेगा इधर आइए, कम दाम भी है, खाना भी बढ़िया है, जगह भी बढ़िया है। सो गाइस, ये पहला बाइट हर बार की तरह आप लोगों के नाम। No, 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 no.
बहुत ज्यादा गर्म है। खैर स्पाइसी है इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं स्पाइसी लवर हूँ। मैं स्पाइसी खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा है यहाँ का चिकन मंचूरियन। तो आप लोग भी आइए कभी और बिल्कुल ट्राई कीजिए। हम लोगों ने सारा कुछ खा पी लिया है और होटल का मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ सही था, टेस्टी खाना भी था। का एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो डानकुनी यूनियन बैंक के अपोजिट साइड में जो मोड़ है उसी गली में आने के बाद वहीं पे सामने आप लोगों को दिख जाएगा रिवर होटल। तो आप लोग भी यहाँ पे आइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।